हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड स्पार्क मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम RO ARO के सीरीज चल रही है उसमें रीजनिंग का पार्ट थर्ड आपके सामने है। दोस्तों, समय कम बचा है, प्रिपरेशन को और मजबूत बनाने के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा समय देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो हम आज सीरीज लेके आ रहे हैं उसमें सन 2016 में जो RO ARO का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ क्वेश्चन उसी पेपर के होंगे, कुछ उसी से रिलेटेड जिनके आने की संभावना बनती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने बहुमूल्य कमेंट जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। एक मोटिवेशन हमें भी मिलता है, किसी कार्य को जब हम करते हैं उसका रिस्पॉन्स यदि व्यूअर्स की तरफ से अच्छा आता है तो हमारे काम करने की जो ऊर्जा है वो और ज़्यादा बढ़ती है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इस श्रृंखला का पहला पद है, देखिए B2E, और दूसरा पद दे रखा है D5H, फिर दिया है F12K, S27N। नेक्स्ट क्या आएगा, ऑप्शन आपके सामने दे हुए। इनमें रिलेशन देखते हैं, पहले हम अल्फाबेट के जो लेटर हैं यहाँ उन पर रिलेशन देखते हैं। पहला B, फिर D, फिर F, फिर H। B और D में कितना अंतर आ रहा है, BCD, यानी दो जंप में। B के आगे अगर हम C और D दो कदम आगे बढ़ते हैं तो D आ जा रहा है। D से आगे दो कदम EF, यानी दो दो का इसमें गैप है। एफ के बाद जी एच, एच के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, एच जी ई एफ जी एच आई जे। अब ऑप्शन में हमारे जे एक बी में है, एक डी में है, तो ये कंफर्म है कि तो पहला तो आएगा जे। अब देखते हैं दूसरे में ई एफ जी एच, थर्ड नंबर पे आ रहा है। ई तो है, एफ जी एच इसको छोड़ देंगे, एच अगला, एच को छोड़ेंगे आई जे के, इसके लास्ट में एच यहाँ के आएगा। के के बाद थर्ड नंबर में एल एम एन, एन आ रहा है। एन से नेक्स्ट थर्ड ओ एम एन, एन ओ पी क्यू, तो क्यू आएगा थर्ड पे, क्या आ गया क्यू। अब आता है बीच का, बीच के टर्म में देखते हैं, यहाँ टू है, देखिए जे क्यू इन दोनों में है, और यहाँ 56 है या 58 है, देखो इनमें कौन सा ऑप्शन होगा। इतना तो पता लग गया कि बी और डी में ही आंसर है। पहले बीच का देखते हैं, 2, 5, 12, 27, इनमें क्या रिलेशन है। जाहिर सी बात है यहाँ 2 है, इससे बढ़कर कहेंगे 5 है, तो इसके डबल से थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। यहाँ 5 है, 5 का डबल का 10 होता है, उससे ज़्यादा है, कोई ना कोई इनके बीच में रिलेशन है। रिलेशन क्या है, देखिए इसको अगर मैं 2 से गुणा करूँ, 2 2 4, उसमें अगर 1 जोड़ दूँ तो 5 आएगा। 5 गुणा 2, 2 से गुणा कर दूँ 5 2 10, उसमें 2 जोड़ूँ 12, यानी यहाँ पर चेंजेज जा रहा है। 1 2, अब देखते हैं 3 आता कि नहीं आता है। 12 2 24, 24 में 3 27, बस यही रिलेशन। अगला 4 आएगा, गुणा 2 धन 4, तो 27 2 52, 52 में 4 जोड़ेंगे 56, नहीं 52 नहीं 54, 54 में 4 जोड़ेंगे 58, 58। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले हमने जो अल्फाबेट के लेटर देखे उनमें रिलेशन देखना है, फिर देखना है बाद के लास्ट वाले का रिलेशन, फिर बीच में जो अंक दे रखे हैं उन अंकों में क्या रिलेशन है, उनको सेपरेट कर लेंगे, ऐसे अलग अलग करने के बाद पता चल जाएगा। यहाँ क्या क्या था, इसमें बी और डी में 2 का जंप था, बी को छोड़ेंगे सी और डी लेंगे, यहाँ डी छोड़ेंगे ई और एफ आ गया, एफ को छोड़ेंगे जी एच आएगा, एच छोड़ेंगे आई जे, तो जे जे यहाँ है, ठीक, तो सीधे डी लगा देना है। फिर इसमें देखेंगे ई, ई तो है जी एच आई, 3 कदम पे आ रहा है, फिर 3 इससे आगे और बनेंगे एच ई एफ एफ जी एच आई जे के, आगे के से आगे एल एम एन, यानी एन एन से नेक्स्ट 3 और ओ पी क्यू, क्यू आ गया, तो इससे फिर बीच का नंबर लिख दिया, उनमें रिलेशन देगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लुप्त पद ज्ञात करना है, सर्कल के अंदर नंबर दिए हुए हैं 3, 5, 7, 15, 25, ऑप्शन दिया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका सामने सामने से के साथ रिलेशन क्या है, 3 के पहाड़े मारा 5 टाइम में, तो 3 गुणा 5 15 है, 5 5 गुणा 5 25, 25 आ गया,
ऐसे ही 7 × 5, 7×5 35। कुछ क्वेश्चन तो बहुत बेसिक रहते हैं, ऐसा नहीं कि आप बेसिक क्वेश्चनों को इग्नोर कर दें। जो पेपर सेट किया जाता है वो किस तरीके से होता है कि 40% जो मार्क्स होते हैं वो हर कोई गेन कर सकता है। इतने आसान क्वेश्चन डाले जाते हैं, चाहे वो रीजनिंग में हो, चाहे जीके में हो, चाहे मैथ वाला पार्ट हो। कुछ क्वेश्चन ये होंगे जो सभी को आते हैं। अब धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ता है, जैसे इनका ब्लूप्रिंट बढ़ता है। अगर 50 नंबर का हमारा RO ERO में जो पेपर बन रहा है मैथमेटिक्स का, उसमें ये मान के चलिए आप 25-30 नंबर तो ऐसे होंगे हर कोई ले लेके आएगा। फिर 25 से 35 तक 10 नंबर थोड़ा उससे टफ होंगे, फिर 10 नंबर उससे थोड़ा टफ होंगे, यानी 45 हो गया। और 5 नंबर जो 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत हार्ड होंगे, यानी बहुत जिसको हम बोल सकते हैं कि उनका कैलकुलेशन ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन उसकी पहचान वही विनर की पहचान भी करता है। वो क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन होते हैं जिसकी ज़्यादा प्रैक्टिस बनी होती है। तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था, तो अब ये भी गलत करके आए तो फिर तो पेपर में आप कैसे संभावना रख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन तो बेसिकली गलत नहीं होने चाहिए, अफॉर्ड इनको भी नहीं छोड़ा जाए, उसके लिए ज़्यादा हो जो क्वेश्चन टफ होते हैं। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ED GJ MP और नेक्स्ट क्या आएगा ये बताना है, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं हम, जो इस पद का प्रथम पद है इसका इसके साथ क्या रिलेशन है। देखिए ये बढ़ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई अंक कितनी बार मारा है, क्या यही रिलेशन इनके बीच में, पहले ये देखेंगे हम। ए से आगे जी तक देखते हैं क्या है, ई ए गिनना पड़ेगा हमें, बी सी डी ई एफ जी, छठे नंबर मार है प्लस 6। अब देखते हैं क्या एम के साथ भी यही रिलेशन आता है, जी एच आई जे के एल एम, बिल्कुल छठे नंबर पे आ रहा है, आप काउंटिंग कर लें। फिर एम से अगर छठा नंबर और आगे को देखें, एम एन ओ पी क्यू आर एस, नेक्स्ट तो एस आना है और एस वाले ऑप्शन 2 हैं। अब देखें इनमें क्या रिलेशन है डी और जे में, डी के बाद आगे को गिनते हैं, ई एफ जी एच आई जे, ई एफ जी एच आई जे, यानी 6 नंबर पे आ रहा है प्लस 6। नेक्स्ट इसमें भी देखते हैं क्या 6 नंबर पे आ रहा है, के एल एम एन ओ पी, ये भी 6 नंबर पे आ रहा है, यही रिलेशन आगे भी फॉलो करेगा, पी क्यू आर एस टी यू भी, देखते हैं 6 आने चाहिए, पी क्यू पी को छोड़ेंगे, पी क्यू पी को छोड़ेंगे, क्यू आर एस टी यू भी, तो ये आ जाएगा भी, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर भी कौन सा रिलेशन आया था, इसमें हमने प्लस 6 ऐड कर किया है, तो ये रिलेशन जो इन दोनों के बीच में था वही रिलेशन इन दोनों के बीच में था, यही रिलेशन इन दोनों के बीच में था। तो ऐसे रिलेशन के फॉर्म में हमको काउंटिंग करके निकालेंगे, ध्यान रखना है सेम सेम लगते हैं, जल्दी में गिनने में दोबारा कर लेना उसको काउंटिंग। यू भी दे रखा है तो यहाँ पर भी है, राइट आंसर इसका बी होगा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी लुप्त पद याद करना है, ए बी सी अगली सीरीज का रेखा है, पी क्यू आर डी ई एफ एस टी यू, नेक्स्ट क्या होगा। देखिए कभी कभी क्या होता है हम जंपिंग करना पड़ता है, अगर हम इसका रिलेशन इसके साथ दें तो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन इसी के पास यहां पर दिख रहा है ए बी सी डी ई एफ, ठीक, कंटिन्यूसली क्या ये भी ऐसा फॉलो कर रहा है, पी क्यू आर एस टी यू, बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट वाला क्या आएगा, डी ई एफ, अब नेक्स्ट इसका टर्म है जी एच आई, कहीं बन रहा है राइट आंसर जी एच आई। तो हमें ये नहीं देखना कि इसका रिलेशन इसी के साथ ही बनेगा, कभी कभी हमें ये भी दिमाग लगाना है कि एक को स्किप करके दूसरे पर किस तीसरे के साथ रिलेशन बनता है, फर्स्ट का रिलेशन बन रहा है थर्ड के साथ, तो थर्ड का फिफ्थ के साथ बनेगा, ठीक। अगर ये दिया होता नेक्स्ट ब्लैंक होता तब एस टी यू है, यू भी डब्ल्यू एक्स, ये ऑप्शन में भी है,
वी डब्ल्यू एक्स, अगर ये दिया होता, ये निकालना होता तभी आएगा वी डब्ल्यू एक्स। तो इसका राइट आंसर होगा सी जी एच आई। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, अब जे आई जे के वो भी दे रखा, लेकिन हमारा राइट आंसर क्या है जी एच आई। देते नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एन बी ओ, नेक्स्ट टर्म है सी पी, नेक्स्ट डी क्यू और नेक्स्ट वाला क्या होगा ये ज्ञात करना है। ऑप्शन दे रखे हैं ई जी, ऑप्शन नंबर बी ई आर, ऑप्शन नंबर सी ई एच और डी ई एफ। ओके देखिए ए और एन बहुत दूर दूर तक, चलिए इसका रिलेशन इसके साथ देखते हैं। ए बी बी सी डी, नेक्स्ट तो ई आना ही है ई, अब यहाँ देखते हैं एम एन एन ओ पी, एक एक करके ए बी सी डी चल रही है, यानी अल्फाबेट का क्रम चल रहा है, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, ई आर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। आसान सा है ई आर। देते नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें सीरीज का टर्म नेक्स्ट टर्म निकालना है। क्वेश्चन है 07 26 63 क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन ए देखा 87, बी 96, सी 123 और ऑप्शन नंबर डी 124। इसका सॉल्यूशन देखिए, आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी कैसे ये बन रहा है। डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है, 7 का डिफरेंस यहाँ बहुत ज्यादा है, ये रिलेशन भी निकल गया। अगर हम एक दो, हाँ एक का क्यूब कर दें, उसमें एक घटा दें, एक का क्यूब एक ही रहेगा, एक गुणा एक गुणा एक, एक का घन घटा दें, एक शून्य आ सकता है, 2 की घात 3 कर दें और एक कर दें, 2 दुना 4 दुना 8, 8 ऋण 1 7 आ जाएगा। क्या इसमें भी यही रिलेशन लगता है, 3 3 9 3 27, 27 में से 1 कम कर देंगे 26, 4 की घात 3 ऋण 1, 4 को 16 64, 64 में से 1 कम कर देंगे 63। अभी क्या चल रहा है, 1 2 3 4, 4 का क्यूब चल रहा है ना, अगला क्या आएगा 5 का क्यूब ऋण 1, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25 25 125 ऋण 1, 124, तो उसमें आएगा 124, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्या किया यहाँ, क्यूब वाला रिलेशन चला, 1 का क्यूब -1, उसी को -1 कर देना है सब में, 2 का क्यूब 8, उसमें से 1 कम कर दे, 3 का क्यूब उसमें से 1 कम, यानी 27 में से 1 कम 26, 4 का क्यूब 64, उसमें से 1 कम किया 63, 5 का क्यूब 125, 125 में से 1 कम करेंगे 124। तो ये भी ध्यान लगाना है कि हमें इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं डिफरेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, आने की संभावना है इनकी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 725 61 121, नेक्स्ट क्या आएगा, ऑप्शन नंबर दिए हुए, इससे पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा मिलता जुलता है, थोड़ा अंतर है, जैसे 7 है, हम क्या कर रहे थे वहाँ, 1 का क्यूब -1 कर रहे थे, 25 है, 25 के लिए 2 तो आ नहीं सकता, 3 का चलेगा, 3 की घात 3, 3 3 9 3 27, उसमें से 2 कम कर दो। अब देखो रिलेशन बन रहा है, यहाँ ऑड नंबर आ रहे हैं और यहाँ पर 1 2 हो सकता है 3 आ जाए, फिर चेक करते हैं 61 आता कि नहीं आता है। अगला देखेंगे, चार का 4 को 16 को 64, एक टर्म मिस लग रहा है मुझे, या मिस्टेक तो नहीं हुई क्वेश्चन मुझे लेने में,
यहाँ थोड़ा रॉन्ग हो रहा है, ये गलती आ गई, मैंने यहाँ गलती कर रखी। दो की घात तीन होता है, एक की घात तीन नहीं, दो की घात तीन, वहाँ शून्य था पहले। दो दुना चार दुना आठ, आठ में से एक कम करेंगे सात, तीन तीन नौ तीन सताईस, सताईस में से दो कम किया पच्चीस। ठीक, यहाँ दो से शुरुआत हो रही, दो तीन, अगला आएगा चार, चार की घात तीन ऋण दो, फिर आएगा देखिए चार चौसठ को चौंसठ, चौंसठ में से दो घटा देंगे, दो नहीं तीन चलेगा तिरसठ, क्योंकि यहाँ एक दो तीन, अगला आएगा 121 के लिए, पाँच की घात तीन ऋण चार, होता कि नहीं होता, देखिए पाँच पच्चे पच्चीस, पंचे एक सौ पच्चीस में से चार घटाएंगे 121। नेक्स्ट है दोस्तों, अब आएगा छः का, छः की घात तीन ऋण चार, छः छः छत्तीस, छक्का दो सौ सोलह, दो सौ सोलह में से चार कम कर देंगे तो ये आ गया 212, 212। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने जो क्वेश्चनों को जाना, वो कहीं ना कहीं परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।